सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी J3 मोबाइल को हार्ड रिसेट करेंगे और इसका पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, इस मोबाइल को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। अब आपको जैसे ही आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको इसे स्टार्ट करते टाइम पे ये देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम बटन है, आपको इसे होल्ड करना है और इसका ये जो फिजिकल होम बटन है इसे होल्ड करना है और आपको यहाँ से ये राइट साइड में देखिए पावर बटन, इसे इन तीनों बटन को एक साथ होल्ड करना है। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने वॉल्यूम अप बटन दबाया है, ये फिजिकल होम बटन दबाया और ये इसका मैं पावर बटन अप ऑन कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों आपको इस तरीके से ये लोगो आ जाता है, आपको सारे बटन्स छोड़ देने हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये आपको इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे इसके वॉल्यूम बटन्स से नीचे की साइड में आना है और यहाँ पे वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट आपको इसे सिलेक्ट करना है और इसे पावर बटन से सिलेक्ट करके इसे स्टार्ट करना है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे फिर वॉल्यूम बटन से नीचे आना है और यहाँ पे यस डिलीट ऑल यूजर डेटा इसे ओके बोलना है। ये देखिए दोस्तों, आपका वाइपिंग डेटा स्टार्ट हो चुका है। अभी आपका वाइपिंग डेटा कंप्लीट हो चुका है, अभी आपको इसे रिबूट करना है। तो दोस्तों, ये 4 से 5 मिनट का टाइम लेगा कंप्लीटली आपका डेटा डिलीट करने के लिए और फिर से रिबूट होने के लिए। तो अभी मैं इसे रिबूट बोल देता हूँ। अभी दोस्तों, ये 4 से 5 मिनट लेगा कंप्लीटली डेटा डिलीट करने के लिए और फिर से रिबूट होने के लिए। देखिए दोस्तों, अब हमारा मोबाइल कंप्लीटली फॉर्मेट हो चुका है और इसके अंदर का सभी डेटा फोटोज वीडियोस डिलीट हो चुके हैं और इसकी सेटिंग उसी तरीके से रिसेट हो चुकी है जिस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम इसे स्टार्ट करने पे आपको मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।